warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا نبوة بعد ولا رسول بعده ولا رسالة بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العظيم इलाही फिर अता कर हमको ज़ौक़ दरसे कुरआनी न हो रुसवा इलाही अब तो ये शान मुसलमानी जो छोड़ा दामन कुरआन जलीलो ख़्वार हैं मुस्लिम वो हिंदी हो के तुर्की हो के मिस्री हो के ईरानी। मुअज़्ज़ज़ भाई और बुज़ुर्गों, 3 साल के बाद अल्लाह सुबहानहु व ताला ने इस मुल्क में आने का मौका अता फरमाया और आज हम मदनी मस्जिद के अंदर बैठे हैं। माशाल्लाह, जब दुआ और इफ्तिताह था इस मस्जिद का, उस वक्त तो वीडियो के ज़रिए से मैंने देख ही लिया था, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़रों से भी दिखा दिया कि इतनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ और बड़ी सादगी के साथ, खूबसूरती और सादगी दोनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदनी मस्जिद को तामीर फरमा दिया। पता नहीं किन किन लोगों का इसमें पाक माल लगा होगा, किन किन लोगों की कुर्बानियां लगी होगी, किन किन लोगों के हाथ उठे होंगे, दुआएं हुई होगी, तब जाकर अल्लाह सुबहानहु व ताला ने बेहतरीन शक्ल की मस्जिद हमें और आपको अता फरमाई।
एक ईमान वाला जब अल्लाह के घर में आता है, मुझे शेर पढ़ने का जी कर रहा है, मस्जिद को देखकर मदनी मस्जिद को मेरी खुशी की इंतहा नहीं हो रही, इसलिए कि यही मस्जिद है और आप ही लोग हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ने मुझ नाचीज को इस मुल्क को देखने का मौका अता फरमाया है। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, बल्कि मैं हमारे मेज़बान इब्राहिम भाई है, हमारे इमाम साहब है, उन सब को आप तमाम को कहकर जाता हूँ, आप नहीं बुलाएंगे तो भी आऊँगा इंशाअल्लाह, आप नहीं बुलाएंगे तो भी आऊँगा, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। तो मस्जिद में आता है जब इंसान ईमान वाला, तो उसके दिल की आवाज क्या होती है, आया हूं तेरे दर पर खामोश नवा लेकर, नेकी से तही दामन अंबारे खताले कर। मैं बयान तो कर रहा हूं मगर मुझसे ज्यादा कुर्बानी आप लोगों की है, याद रखना, ये जितने बैठे हैं तमाम हजरात और खास तौर पर हमारे नौजवान, क्योंकि आपको कम समझ में आ रहा है उर्दू, फिर भी आप समझने की कोशिश कर रहे, मेरे लिए तो बोलना आसान है मगर ये हमारे बच्चे जो है नौजवान हैं, इनको कम समझ में आ रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज्यादा काबिले मुबारक है, आप ज्यादा सवाब के हकदार है। ये शेर का मतलब समझा दूं कि एक ईमान वाला अल्लाह के घर में आता है तो ये कहता है कि अल्लाह मैं तेरे दर पर आया हूं खामोश फरियाद लेकर आया, खामोश, नमाजी कुछ नहीं बोलता, हमें हुक्म है अल्लाह के घर में आए तो खामोश हो जाओ, ये मेरा और आपका घर नहीं है, ये दुनिया का दरबार नहीं है, ये अल्लाह का दरबार है। इस घर में और आम दूसरे घरों में जमीन और आसमान का फर्क है, यहां फरिश्ते होते हैं, यहां खामोश रहने पर रहमतों की दुआएं मिलती है, यहां खामोश बैठने पर अजर और सवाब मिलता है, अल्लाह का घर है। तो ए अल्लाह मैं खामोश फरियाद लेकर आया हूं और नेकियों से दामन बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, ए अल्लाह गुनहगार हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, नेकी से तही दामन अंबारे खता लेकर और गुनाहों के बोझ सर के ऊपर है, ऐसी हालत में आया हूं, आया हूं तेरे दर पर खामोश नवा लेकर, नेकी से तही दामन अंबारे खता लेकर, लेकिन तेरी चौखट से उम्मीद सखा लेकर, आमाल की जुल्मत में तौबा की जिया लेकर। अल्लाह आमाल तो सब अंधेरे ही अंधेरे वाले हैं, काम तो मेरे ऐसे ही है कि सब अंधेरे वाले हैं, कोई नेकी नहीं है, मगर तौबा की एक लाइट लेकर आया हूं कि तेरे दर पर आने वाला आता है गुनाहों को लेकर आता है, मगर जब इस दर से वापस जाता है तो गुनाहों से पाक होकर जाता है, साफ होकर जाता है, धोबी घाट पर मेला कपड़ा ही आता है, धोबी घाट पर मेला कपड़ा ही आता है, मगर जाता है तो साफ सुथरा होकर। ये फिल्टर हाउस है, याद रखना, मुझे दो चार बातें अर्ज करनी है, इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लूंगा,
मदीनी मस्जिद वाले भी बड़े चालाक है, घड़ियाल सामने ही रखी है। और बिल्कुल होना भी चाहिए कि एक घड़ियाल तो मुसल्लियों के लिए हो, मगर एक घड़ियाल मौलाना के लिए भी होनी चाहिए। तो वक्त मेरे सामने, इंशाल्लाह दो चार बातें इंशाल्लाह आइंदा कल भी आपके सामने हाजिरी देनी है, आपको तकलीफ देनी है। तो अर्ज ये करता हूँ, करना चाहता हूँ कि आया हूँ तेरे दर पर खामोश नवा लेकर, नेकी से तही दामन अंबार खता लेकर, लेकिन तेरी चौखट से उम्मीद सखा लेकर, उम्मीद सखा सखावत की उम्मीद लेकर आया हूँ, आमाल की जुल्मत में तौबा की जिया लेकर। और मदीनी मस्जिद के मेरे भाइयों, मेरा दिल और कुछ बयान करने को चाह ही नहीं रहा मस्जिद को देखकर। ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मरकज है? उम्मीद का मरकज ये रहमत से भरा घर है, इस दर का हर एक जर्रा रशिके माहो अख्तर है। महरूम नहीं कोई जिस दर से, ये वो दर है जो इसका भिखारी है, किस्मत का सिकंदर है। ये नूर का कुलजुम है, ये अमन का फवारा, दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा। एक मरतबा और भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قبر محمد في القبور۔ عزیز بھائی اور بزرگوں اور اسپیکر کے ذریعے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اس امت کو اللہ رب العزت نے تین بڑے مرکز عطا فرمائے، हर उम्मत को दी अल्लाह ने तीन मरकज, मगर इस उम्मत का मकाम दूसरी उम्मत के मुकाबले में बहुत ऊंचा है, इसलिए कि इस उम्मत के पाक नबी नबियों के सरदार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने तीन मरकज हर उम्मत को दिए थे, मगर इस उम्मत को जो तीन मरकज मिले हैं वो सारी उम्मतों से सबसे आला। नंबर एक, पहला मरकज मिला इल्मी मरकज, यानी सेंटर, इल्मी एजुकेशन सेंटर, इल्मी मरकज। दूसरा मरकज मिला अमली मरकज। तीसरा मरकज मिला जमहूरी मरकज, कॉमन पूरी दुनिया के इंसानों का, अगली उम्मतों को भी मिले थे। इल्मी मरकज मिला किताबुल्लाह की शक्ल में, आसमानी किताब। हर उम्मत को किताब मिली, मगर इस उम्मत को जो किताब मिली वो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। सारी उम्मतों के मरकज से सबसे आला मरकज इल्मी मरकज। इसीलिए अगली किताबों को अल्लाह सुबहानहु व ताला ने एक साथ नाजिल फरमाया था, लिखा हुआ नाजिल फरमाया था, समझ रहे ना, लिखी हुई, ऑलरेडी लिखी हुई बुक पूरी के पूरी आसमान से नाजिल हुई, मगर कुरान करीम कलाम इलाही एक साथ नहीं उतारा गया, वो लिखा हुआ नहीं था। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे 23 साल में, 23 ईयर्स के अंदर धीरे धीरे आया। क्यों?
जैसी जैसी जरूरत पेश आती गई ऐसे ऐसे कुरान आता गया। हज के मसाइल की जरूरत पेश आई तो हज की आयतें आई, नमाज का हुक्म आया तो नमाज की आयतें आई, रमजान का महीना आया तो रोजे की आयत आई। जैसी जैसी जरूरत पेश होती गई, तलाक के मसाइल आए तो जरूरत पेश आई तो तलाक की आयतें आई, जिहार का मसला पेश आया तो जिहार की आयतें आई, रजात का मसला आया तो रजात की आयतें आई। कुरान करीम को अल्लाह ने धीरे धीरे जरूरत के वक्त नाजिल फरमाया कि जब जब जिस चीज की जरूरत थी वो हुक्म कुरान में आया। उलमा फरमाते हैं कि इसमें अजीब अल्लाह ने हिकमत रखी है, अजीब हिकमत रखी है कि जब जब ए कुरान पढ़ने वालों, ए दुनिया के इंसानों, तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ कुछ जरूरतें पेश आती है। हर इंसान की जिंदगी में जरूरत आती है, रोजमर्रा जरूरत आती है। कभी खुशी आ गई, कभी गम आ गया, कभी तकलीफ आ गई, कभी नुकसान आ गया, कभी दुश्मन का खौफ सामने आ गया, कभी कर्जा आ गया, कभी महंगाई आ गई, हैं बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मसाइल तुम्हारे सामने आते हैं। तो फरमाया कि कुरान को भी हमने ज़रूरत के वक्त इसलिए उतारा है, जब तुम्हें भी ज़रूरत पेश आए तो कुरान को उठा लो, तुम्हारी भी जब जरूरत पेश आए। और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के कलाम को उठा लो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो। अल्लाह आसमानों का मालिक है, जमीनों का मालिक है, हवाएं उसके काबू में हैं, मखलूक के कुलूब उसके इख्तियार में हैं, तमाम तुम्हारे मसाइल को अल्लाह हल कर देगा। उसके कलाम को उठा लो, कुरान से करीब हो जाओ। एक मरकज मिला, इल्मी मरकज किताबुल्लाह की शक्ल में। दो तीन ही जरूरी बात करनी है, बाकी इंशाल्लाह आइंदा कल। दूसरा मरकज मिला इस उम्मत को अमली मरकज, अमली सेंटर, कि हम अल्लाह के हुक्मों को, उसकी इबादतों को किसको फॉलो करके अदा करें, किसको देख कर करें। भाई रोजा का हुक्म मिला कुरान में तो रोजा किसे देखकर रखे, नमाज किसे देखकर पढ़े, हैं पाकी तहारत तकवा किसे देखकर इख्तियार करे, अमानतदारी सच्चाई, एक दूसरे के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक किसे देखकर। तो फरमाया अमली मरकज की शक्ल में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस उम्मत को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। तो ये मरकज भी सबसे आला, इल्मी मरकज भी सबसे आला, अमली मरकज भी सबसे आला, और तीसरा मरकज मिला जमहूरी मरकज, जिसको कहते किबला, कि इबादत करे तो किस तरफ चेहरा करे, नमाज पढ़े तो चेहरा किस तरफ हो, मस्जिद में आए, सफर में हो, घर में हो, हजर में हो, किस तरफ किबला करे। तो अगली उम्मतों को भी किबला मिला मगर बैतुल मुकद्दस, और इस उम्मत को किबला मिला बैतुल्लाह की शक्ल में। तो ये हमारा जमहूरी मरकज भी अगली उम्मतों से आला, इसलिए कि कुरान करीम ने फरमाया कि सबसे पहले जो घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो कौन सा घर है, खाने काबा है। सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहली इबादत की जगह अगर कोई बनाई गई तो वो खाने काबा। कुरान करीम ने फरमाया इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين। ए लोगो सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है वो घर है जो मक्का में है, खाने काबा जो हम सब का किबला है,
जब नमाज के लिए हाथ उठाते हैं और नियत करते हैं मुंह मेरा खाने काबा की तरफ, किबले की तरफ, मुंह मेरा खाने काबा की तरफ, हजरत मौलाना अल्लामा ताहिर पटनी रहमतुल्लाह अलैह गुजरात की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत मौलाना ताहिर पटनी। हम सब अक्सर तो माशाल्लाह गुजरात के हैं, और भी हमारे भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के भी यहाँ जो है आबाद है, मगर गुजराती भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमें अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए। हम कहीं भी जाए, परिंदा आसमानों में उड़ता है मगर रात तो जमीन पर ही गुजारता है, उसकी जड़ें तो जमीन से जुड़ी हुई है। हम किसी भी मुल्क में चले जाए मगर हमारी असलियत तो इंडियन है, हम अपनी असलियत को पहचाने, बाकी रखे और उसे ताज़ा रखे। हजरत मौलाना ताहिर पटनी रहमतुल्लाह अली, पट्टन ये अहमदाबाद से आगे जो पालनपुर तरफ का इलाका है, वहाँ 400 साल पहले एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। जब वो नमाज पढ़ाते थे मस्जिद में मुसल्ले पर, तो पहली सब में खड़े रहने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी, यानी पड़ा पड़ी होती थी और लोग लाइन लगाते थे गोया पहली सब में खड़े रहने के लिए। आजकल तो हर आदमी चाहता है मैं पीछे रहूं और पीछे वाला आगे आ जाए। वो बड़ा अच्छा एक मैसेज ये नौजवान व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखते हैं, तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती है। तो उसमें एक मैसेज आया था कि एक मस्जिद ही ऐसी जगह है जहां मुसलमान दूसरे को आगे करता है, एक दूसरे को आगे करता है कि एक मस्जिद ही ऐसी जगह है, वरना और कोई जगह तो आगे नहीं करता, बल्कि आगे के जो होता है उसको भी टांग खींचता है, जो आगे बढ़ गया होता है उसकी भी टांगे खींचने की फिक्र में रहता है कि इसका नुकसान कैसे हो जाए और मेरा फायदा कैसे हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो पहली सब में खड़े रहने के लिए हुजूम, यानी लोग लाइन में रखते थे, इसलिए कि हजरत मौलाना ताहिर पटनी रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी कि जब वो मुसल्ले पर खड़े रहकर, अल्लाहु अकबर, मुसल्ले पर खड़े रहकर जब वो हाथ उठाते और कहते हैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दों को उठा लेता और खाने काबा नजर आता था। और इतना ही नहीं कि सिर्फ हजरत, पूरी पहली सफ में जितने लोग खड़े सब खाने काबा का दीदार करते थे। सुनी न मिस्र फलस्ती में वो अजा मैंने, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो अजा मैंने, दिया था जिसने पहाड़ों को रसए शिमाब, वो नमाज जिससे रुए जमीन कांप जाती थी, आज उसी को तरसते हैं मिंबरों मेहराब। हमारी मस्जिद आलीशान है, हमारी मस्जिद पक्की है, मगर ऐसा ना हो कि नमाजी कच्चे होते जाए। हमारे नौजवान मस्जिदों में तरावी में कुरान करीम के दौरान में मोबाइल लेकर ना बैठे, यहां कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ इमाम अल्लाह का कलाम सुना रहा है, और हमारे हमारी नस्लें हमारी औलाद मोबाइल लेकर बैठी। ए लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश होकर सुनो, शायद तुम पर रहम कर दिया जाए। लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम पर रहम कर दिया जाए, अल्लाह का रहम नाजिल हो। और कुरान करीम को सुनने वाले ध्यान से, उनको वो सवाब मिलता है, वो भी उस कड़ी में दाखिल हो जाते हैं जहां अल्लाह सुबहानहु व ताला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो जिस जिस अंदाज से कुरान की अल्लाह हिफाजत करता है, जैसे तरावीह के जरिए से, तो वो सवाब जो तरावीह में कुरान करीम की हिफाजत पर सवाब मिलता है, वही सवाब ध्यान से कुरान सुनने वाले को भी मिलता है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला ने तीन मरकज इस उम्मत को दिए, तीनों मरकज सबसे आला।
इल्मी मरकज कुरान करीम सारी आसमानी किताबों में सबसे आला, अमली मरकज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो सारे नबियों में आला, और खाने काबा जमहूरी मरकज वो सारे अगली उम्मतों के क़िबले से आला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इन बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। हमारी ये मदीनी मस्जिद और दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं वो सब उसी खाने काबा के वही पावर हाउस के कनेक्शन में हैं। पावर हाउस वहाँ है और उसकी तार और उसके कनेक्शन दुनिया के अंदर रुए ज़मीन पर फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ मस्जिद आबाद है खाने काबा के तार हर उस जगह पर कनेक्शन लगा हुआ है। एक तार खाने काबा से सीधा मदीनी मस्जिद में भी लगा हुआ है। मेरे और आपके आका फरमाते हैं रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर अगर कोई जगह है। यह असल में एक वाकया पेश आया था। एक यहूदी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, प्यारे प्यारे नबी बताइए पूरी रुए ज़मीन पर सबसे अफजल और सबसे बेहतर और खैर वाली जगह कौन सी है। तो मेरे आका जितनी बात मालूम होती थी बतलाते थे, और जो नहीं मालूम होती थी कहते थे मैं कल बतलाऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। फिर जिब्रील अमीन के सामने सवाल रखते, हजरत जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये तो बताओ पूरी रुए ज़मीन पर सबसे खैर और बरकत वाली ज़मीन और जगह कौन सी है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुबहाना व तआला से मालूम करूँगा। अल्लाह सुबहाना व तआला से जब मुलाकात हुई जिब्रील अमीन ने सवाल किया तो लिखा है रिवायत में कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया जिब्रील पहले तो करीब हो जा, इसलिए कि सवाल बड़ा अहम है, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, तुम पहले मेरे करीब आ जा। फरमाया जिब्रील अमीन ने अल्लाह ने मुझे इतना करीब किया कि इससे पहले मुझे इतना करीब नहीं किया गया था। जब पूछा कि अल्लाह से कितना करीब हुए, फरमाया कि मेरे और अल्लाह सुबहानहु व तआला के दरमियान में 70,000 पर्दे थे, 70,000 जो है कर्टन, वो अल्लाह के जो कुदरती पर्दे के 70,000 पर्दे थे। मैंने सवाल किया, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कह दो कि ज़मीन पर सबसे खैर और बरकत की जगह अगर कोई है तो वो जगह हैं जिस पर अल्लाह के घर बनाए जाते हैं, यानी मसाजिद मस्जिदें सबसे बेहतर है रुए ज़मीन पर। और फिर आका ने फरमाया खैरु बुकाइल अर्दि मसाजिदुहा व शर्रु बुकाइल अर्दि अस्वाकुहा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद अल्लाह के घर है, और सबसे बुरी जगह अगर कोई है जहाँ अल्लाह का गुस्सा नाजिल होता है, जहाँ अल्लाह ताला का जो है इताब नाजिल होता है, इसलिए कि और वो क्या है, वो बाजार है, मार्केट है, इसलिए कि वहाँ पर झूठ भी चलता है, धोखा भी होता है, हैं बदनजरी भी होती है, और न जाने दुनिया भर के गुनाह होते हैं। तो फरमाया कि सबसे बदतरीन जगह रुए ज़मीन पर वो बाजार है, और सबसे बेहतर जगह जो ज़मीन पर है वो अल्लाह के घर है। अल्लाह के घर यानी मस्जिदें रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर है, तो अल्लाह के घर को बनाने वाले भी अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर होते हैं। जैसे रुए ज़मीन पर अल्लाह के घर मस्जिदें वो सबसे बेहतर होती है, तो अल्लाह के घर को भी वही लोग बनाते हैं, उन्हीं का माल लगता है, उन्हीं का पैसा लगता है,
उन्हीं की मेहनत लगती है, उन्हीं की रातें कुर्बान होती है, उन्हीं की दुआएं लगती है जो अल्लाह को महबूब होते हैं, अल्लाह को प्यारे होते हैं। फरमाया मस्जिद रोए ज़मीन पर जन्नत के बागात है, ईमान वाले की हयात के सेंटर है। जैसे मछली को पानी में ज़िंदगी मिलती है, मोमिन को मस्जिद के अंदर ज़िंदगी मिलती है, हयात मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम करोड़ों हाँ करोड़ों एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने मदनी मस्जिद को इस शक्ल के अंदर हमें दिखाया। अल्लाह ताला उन तमाम के मालों को कबूल फरमा लिया जिन्होंने अपने इस घर के अंदर मस्जिद के अंदर किसी ने पंखे लगाए, किसी ने सफ़ लगाई, किसी ने लाइट लगाई, किसी ने एसी लगाया, किसी ने मुसल्ला दिया, जिसने जिस एतबार से दिया, अल्लाह ताला सब की जो है अतीये को कबूल फरमाए। और जितनी अभी भी ज़रूरत बाकी है, जितनी मस्जिद की अभी भी ज़रूरत बाकी है, अल्लाह ताला उन ज़रूरतों में हमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात कह दूँ, बाकी जो बातें इंशाल्लाह आइंदा करूँ। बड़ा मसला होता है किसी के पास से हलाल पैसा लेना, लिल्लाह का चंदा करने वाले जानते हैं। आप उलमाए किराम से पूछिए कितनी फिक्र लेकर रमज़ान के महीने में अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी, वतन की कुर्बानी, मदरसों की फिक्र लेकर, कोई ट्रस्ट की फिक्र लेकर, कोई किस चीज़ की, वो आते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। एक गए मौलाना चंदे के लिए एक साहब के पास, यतीम खाना का चंदा था, यतीम बच्चे रहते हैं, यतीम खाना है, चंदा दीजिए। तो सेठ साहब थे मगर कंजूस थे, बखील थे। बहुत से ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने मालदार बनाया होता है, बहुत से ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मालदार बनाया, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको अल्लाह ने माल का चौकीदार बनाया। समझे, मालदार होते हैं बाज, और बाज माल वाले तो होते हैं मगर माल के चौकीदार होते हैं। वो सिर्फ माल के ऊपर बैठे होते हैं और उनका खर्च पैसा जो है उनकी औलाद करती है। अल्लाह ताला ये भी दुआ मांगनी चाहिए मदनी मस्जिद वालों, अगर मेरा माल अल्लाह के रास्ते में लग रहा है, मेरा पैसा अल्लाह के घर में लग रहा है, अल्लाह के दीन पर लग रहा है, अरे उसी का ही तो दिया हुआ है, उसी के रास्ते में लगाया है, उसमें हमारा क्या क्या कमाल है, हमारा क्या कमाल है, उसी का दिया हुआ। खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही दुनिया से जाना है। बादशाह वक्त होकर भी जो है वो खाली हाथ जब दुनिया से जाता है, मेरा और आपका क्या कमाल है। तो जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया है, उसी के रास्ते में लगाना है। अर्ज करना चाहता हूं कि वो चंदे के लिए जब गए यतीम खाने वाले सेठ साहब के पास, तो सेठ साहब से कहा कि भाई कुछ लिखा दीजिए, यतीम खाने से आए हैं। तो सेठ साहब ने दिया तो कुछ नहीं, ऊपर से ये कहा कि मेरे 12 बेटे हैं, उसमें से एक दो ले जाओ। तो मौलाना कहा कि भाई हम तो पैसा लेने आए हैं, हम तो पैसे के लिए आए, आप तो बच्चे देते हैं, लेने क्या है और दे क्या रहे। ऐसा भी होता है, किस किस एतबार से जो है पैसा जमा किया जाता है मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, हैं। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जिसने एक रुपया भी दिया है, एक पाउंड भी दिया है, इखलास के साथ दिया है, अल्लाह के यहाँ उस पर भी उसको अजर दिया जाएगा। बल्कि हमारे उस्तादों से हमने सुना कि जो सवाब पूरी मस्जिद बनाने वाले को मिलेगा, वो सवाब एक दिरहम या एक दीनार देने वाले को भी अल्लाह ताला फरमाएगा। उसकी नीयत, मोमिन का अमल, मोमिन के अमल से बढ़कर उसकी नीयत होती है, नीयत अमल से बढ़कर होती है। तो अर्ज करना चाहता हूं एक आखिरी बात, एक मस्जिद है जाहिरी मस्जिद जो नजर आती है, दिखती है, और एक मस्जिद है दूसरी जो अंदर है, जो नजर नहीं आती, यानी हमारा दिल, यानी हमारा दिल, ये भी तो मस्जिद है,
जैसे मस्जिद अल्लाह का घर है, मोमिन का दिल भी क्या है, अल्लाह का घर है। अल्लामा इकबाल कहते ना, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, जान गया मैं कि तेरी पहचान यही है। मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाते ए मेरे बंदे, तेरा घर मेरी जन्नत है, तेरा घर मेरी जन्नत और मेरा घर तेरा दिल है, मेरा घर तेरा दिल है। ए मेरे बंदे, मैंने तेरे घर को तो शैतान से पाक कर दिया, जन्नत से निकाल दिया अल्लाह ने शैतान को। मेरी जन्नत तेरा घर और तेरा दिल मेरा घर, मैंने तेरे घर को शैतान से पाक कर दिया, मगर तूने मेरे घर को शैतान से पाक नहीं किया। इसीलिए ये जो दिल है ईमान का मरकज है, पूरी जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर कोई रईसुल उज्व है तो वो दिल है। ईमान यही होता है दिल में। जैसे विमान हर जगह लैंड नहीं करता, ऐसे ईमान भी हर जगह लैंड नहीं करता, वो सिर्फ दिल में आता है। तो दिल ये भी मस्जिद है, एक जाहिरी मस्जिद है और एक बातिनी मस्जिद है। जैसे जाहिरी मस्जिद को हमने संवार लिया, टिप टॉप कर लिया, खूबसूरत बना लिया, उसको संवार लिया, मेहनत कर ली, ऐसे ही हर इंसान अपने अंदर की मस्जिद को बनाने की भी फिक्र करे कि हमारी अंदर की जो मस्जिद है कहीं वो बिगड़ ना जाए, हमारी नियतों को साफ करे, मस्जिदों को एक दूसरे से फख्र के लिए ना बनाया जाए। ये भी कयामत की निशानी है कि मस्जिदें मारे फख्र के आलीशान बनाई गई, नहीं जितनी जरूरत है इतना बना लिया, फख्र की चीज नहीं है। अल्लाह का घर है, अल्लाह ने हमसे काम लिया, अल्लाह ने हमसे बना लिया, ले लिया काम। ये जुबान पर हमारे बोलो, एक दूसरे की कंपटीशन ना हो कि फलानी मस्जिद में ऐसा है हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं। दिल की मस्जिद को भी बनाना है, दिल की मस्जिद को भी संवारना है। अल्लाह ताला डर डर के अमल करने वाले के अमल को कबूल फरमाते हैं। दुआ फरमा अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा कल भी आपको तकलीफ़ देनी है, इसलिए दावत भी चला है, जब चलाए खुद भी आए, दूसरों को भी लाए। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआ। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الکرمین کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا، اے اللہ ہماری طاقت نہیں ہے مولا، ہماری طاقت نہیں ہے مولا تیرے گھر کو بنا لینا. اے اللہ تیرے کلام جیسے مقدس کلام کو زبان سے ادا کرنا، اے اللہ ہم گندے ہیں مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے مال اس قابل نہیں تھے، ہماری جانیں اس قابل نہیں تھی، اے اللہ مگر آپ نے کرم کر دیا مولا، آپ نے قبول کر لیا مولا. اے اللہ ہم گنہگاروں کو قبول کر لیا مولا، تو تو خانہ کعبہ کو بنانے والا خدا ہے مولا، مسجد اقصا کو بنانے والا خدا ہے مولا. الہ العالمین تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا مولا، مولا تو نے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول کر لیا مولا. اے اللہ مدنی مسجد کو جب بھی آتے تھے، اے اللہ پرانی شکل میں دیکھتے تھے، آج آپ نے بہترین شکل میں دیکھنا نصیب فرمایا مولا. اے اللہ پتہ نہیں اس مسجد میں کن کن کے آنسو بہے ہوں گے، کن کی راتیں کھپی ہوگی، کن کی جوانیاں لگی ہوگی،
किन के माल लगे होंगे मौला तू ही जानता है। इलाहल आलमीन सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह देने के जज्बे तू ही देता है मौला, दिल तू ही देता है मौला। इलाहल आलमीन हमारे मालों को अपने दीन के लिए कबूल कर ले मौला। ए अल्लाह हमारे मालों को कबूल कर ले मौला, दोनों हाथ से तेरे रास्ते में लुटाने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह दोनों हाथ से लुटाने वाला बना दे मौला, बेहिसाब अदा करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह तेरे रास्ते में ए अल्लाह बेहिसाब देने वाला बना दे मौला। इलाहल आलमीन हमारे देने को कबूल फरमा ले। और ए अल्लाह पूरे रमजान में ए अल्लाह पूरे आलम में तेरे नेक बंदे कितनी ज़कात निकालते हैं मौला, ए अल्लाह कितनी खैरात अदा करते हैं मौला, अपने पाक मालों में से तेरे नाम पर मालों की कुर्बानियाँ देते हैं मौला। इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन कौन तेरा वली है तू ही जानता है, कौन जुनेद बगदादी है तू ही जानता है, कौन अब्दुल कादिर जिलानी है तू ही जानता है मौला, किसका ईमान तुझे तेरे नज़दीक मकबूल है, किन के आमाल तेरे नज़दीक मकबूल है। ए अल्लाह तेरे बंदों की इन कुर्बानियों के सदक़े में पूरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत से हालात को दूर फरमा दे। ए अल्लाह खुसूसन हमारे हिंदुस्तान के ए अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमा दे। इलाहल आलमीन हमारी मस्जिदें ए अल्लाह मस्जिदें मुतमईन नहीं है मौला, मस्जिदों में अमन नहीं है मौला, हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे हैं मौला। ए अल्लाह बातिल ललकार रहा है मौला, ए अल्लाह बातिल ललकार रहा है मौला, ए अल्लाह चैलेंज कर रहा है मौला। इलाहल आलमीन तू तो वही खुदा है जिसने हिजरत वाली रात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे सौर में मदद फरमाई है। पूरा मक्का तलाश कर रहा था मोहम्मद कहाँ है मोहम्मद कहाँ है, 100 ऊँटों का इनाम सर पर रखा गया था। इलाहल आलमीन हर एक की जुबान पर यह था, आपने मकड़ी के जालों के जरिए से अपने प्यारे नबी की हिफाजत फरमाई है। ए मौला ये सब तेरी मिलिट्री है मौला, सारी मखलूक तेरी मिलिट्री है मौला, तेरी आर्मी है मौला। इलाहल आलमीन शैतान नुमा इंसान बहुत हो गए मौला, जुल्म की रात बड़ी लंबी हो गई मौला, ए अल्लाह इज्जत की सुबह दिखा दे मौला। इलाहल आलमीन उन्हें कंकरियां मारने वाला पैदा कर दे मौला, अपनी अबाबील को भेज दे मौला, अबाबील को भेज दे मौला। ए अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अहले ईमान की हिफाजत फरमा। ए इलाहल आलमीन यहाँ की गिरानी और महंगाई को खत्म फरमा। ए अल्लाह महंगाई को खत्म फरमा, शैतान के ए अल्लाह डराने से हमारी हिफाजत फरमा। तू वही खुदा है जो माँ के पेट में बगैर किसी जोब के खाना खिलाने पर कादिर है। ए अल्लाह काली रात में काले पत्थर पर काली चूटी को हरा हरा पत्ता खिलाने पर तू कादिर है। ए अल्लाह तू राजिक है, ए अल्लाह तू ही राजिक है, तू ही मालिक है। इलाहल आलमीन शैतान के वसाविस से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, तेरे दीन की तरफ तेरे कुरान की तरफ मस्जिदों की तरफ ए अल्लाह इन हालात में हमें माइल होने की नेक तौफीक अता फरमा। जो हमारे नौजवान मस्जिदों से दूर है, माँ बाप की नाराजगी के शिकार है, ए अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा, उन्हें हिदायत नसीब फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मगफिरत फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, हमारे रोज़ों को हमारी नमाजों को तिलावत तरावी को कबूल फरमा, सदक़ात और खैरात को।
कबूल फरमा। दीन की निस्बत पर जितने उलमा जमाते जमीयते जामियात माह मुबारक में वतन में बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं, जिन जिन मकासद से अल्लाह नगर नगर डगर डगर गांव गांव करिया करिया घूम रहे हैं, अल्लाह सब की नुसरत फरमा फरमा, उनकी मदद करने वालों की तो मदद फरमा, हमारी दुआओं को मदद ने फजल करम से कबूल फरमा। जज़ाल्लाह सैयदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ आलू سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.